अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर। और जी, आज की वीडियो बड़े मज़े की होने वाली है। और बर्तनों का शौक़ तो सारी ख़वातीन को होता है, तो सबको वीडियो एंड तक देखनी है। तो जी, मैं अपने जहेज़ के बर्तन आज आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये कप दिखाऊँगी जो कि डिनर सेट का ही है। और ये मेरे जहेज़ के जो है वो दो जो है वो शीशे के कांच के जो डिनर सेट जो है वो हैं। और मेरे ख्याल से अब बहुत कम लोग ही प्लास्टिक या सिल्वर आई थिंक सो कोई भी नहीं देता। और ये इसके सालन के बाउल्स हैं और दो सालन के बाउल लिड वाले हैं और दो जो है वो बगैर लिड वाले हैं। तो ये आपको चार पीस नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। और जी, और एक डिनर सेट ये है और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ जो है वो कस्टर्ड की जो प्यालियाँ होती हैं मीठे की वो भी हैं। और जी, और इसके साथ जो है वो प्लेट्स जो हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो मैं अब आपकी इसकी प्लेट्स दिखाती हूँ। तो इसकी प्लेट्स ये हैं और आठ बड़ी, आठ छोटी और आठ दरमियानी आई थिंक सो इतनी होती हैं। और ये इसकी प्लेट्स हैं और ये मतलब वही डिज़ाइन है, बट बस छोटी बड़ी और दरमियानी। और जी, और ये इसकी प्याली है मीठे की। तो जी, ये एक डिनर सेट है। और इसका ट्रे जो है वो पीछे रखी हुई है, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगी, जो भी मेरे बर्तन थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो जी, ये इसकी सॉसर है जिसमें आप चाय जो है वो रख के इंजॉय करते हैं। तो ये मेरा सेकंड डिनर सेट आ गया है जो कि वाइट कलर का है। वो वाइट और पिंक में है और ये फुल वाइट है और ये वाइट और सिल्वर में है। तो ये जो है वो डिनर सेट का जो है वो टी सेट है। और यही उसमें जो है वो काउ मिल्क का जो है वो पॉट जो होता है वो है। और जी, और इसके सारे कप्स हैं और यही जैसे सालन के जो बाउल होते हैं। और इसके भी वही हैं, दो जो है वो लिड वाले हैं और दो जो है वो बगैर लिड वाले हैं। वैसे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो क्रॉकरी आइटम होता है काफ़ी सारा होता है, लेकिन जो ये डिनर सेट और ये जो इस तरह का आइटम होता है जो डिवाइडर में लग जाए, वो यही चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और जो मेरे जहेज़ की हैं। और ये डिवाइडर भी मेरे जहेज़ का है। तो मैंने बोला था कि बर्तन कहाँ रखे जाएंगे, तो फिर मैंने बिल्कुल एंड में जो है वो मेरे अब्बा ने जो है वो डिवाइडर फर्नीचर से मैच किया, क्योंकि मेरे अब्बू कह रहे थे कि तुम मुझे पहले बोलती तो मैं मतलब फर्नीचर के साथ का बनवा लेता। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इतना अच्छा मैच हुआ कि मतलब मेरे फर्नीचर से कि वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लग रहा था। और जैसी मतलब सोच इंसान की अच्छी हो तो अल्लाह ताला मंजिल खुद आसान कर देता है। और जो और ये इसकी जो है वो ये जो है मेरी टी सेट की जो है वो सॉसर है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको इसकी इसकी सॉसर जो है वो ये हैं जो सेकंड वाला डिनर सेट है। उसके कप्स मैंने आपको दिखा दिए और मैंने आपको उसके सालन के और उसके बाउल्स दिखा दिए। और ये इसकी सॉसर मैंने आपको दिखा दी। तो ये इसके इसका है डिनर सेट। तो जी, ये बस मैंने कहा कि आज अपनी जो है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। और ये बड़ी अच्छी मेमोरीज जो है वो यूट्यूब पे जमा हो जाती हैं आपकी। और जी, और ये आप इसकी प्लेट्स हैं, ये इसकी भी ऐसे आठ छोटी, आठ बड़ी और आठ दरमियानी। तो YouTube पे एक बड़ी अच्छी सी मेमोरीज जो है वो जमा हो जाती हैं। और ये इसकी प्यालियाँ हैं और हमारी शायद चीज़ें कल को हो ना हो, क्योंकि कांच के बर्तन हैं, टूट जाएँ या कुछ भी है, लेकिन ये मेमोरीज जो है वो YouTube पे इंशाल्लाह हमेशा सेव रहेंगी। तो ये याद रहेंगी कि मेरी क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। तो जी, ये आप देख रहे होंगे बैक पे जो है वो दो ट्रे रखी हुई नज़र आ रही होंगी और दो ट्रे जो है वो वाइट वाले डिनर सेट की है। और जी, और मैं जो प्लेटों का और ट्रे का जो सेट्स हैं वो मैंने नीचे रखे हैं लकड़ी के ऊपर, क्योंकि इनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको हम शीशे पे रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा, टूटने का डर होता है। तो ये मैं आपको फ्लॉक्स था वो चाय का, वो जो मैं इससे पहले देखा होगा आपने, नज़र आ रहा होगा। तो और ये हमारा आ गया सूप सेट। और ये सूप सेट एट बाउल्स हैं आई थिंक।
और 8 इसकी सॉसर्स है नीचे रखने वाली और 8 स्पून्स और ये इसका पॉट है सूप का जो है, और इसमें सूप के लिए नीचे जो है वो कैंडल्स लगा के आप सूप को हॉट भी रख सकते हैं। इसके स्टैंड है आपको नज़र आ रहा होगा। तो सूप सेट मेरा इतना यूज़ नहीं हुआ क्योंकि इतना मेहमानों का आना जाना नहीं है, डिनर सेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन सूप सेट जो है वो शायद एक दफ़ा ही यूज़ हुआ, उसके बाद यूज़ नहीं हुआ। तो ये जब से बचाया 6 साल से ऐसी कैसा नया ही रखा हुआ है, और बस ये यादें होती हैं, ये यादें होती हैं। और हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को, बेटियों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। और जी, और ये है जग सेट, और अलग अलग सबके माँ बाप को जो है वो सलामत रखे, लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। और ये जो है इसके ग्लास हैं जो आप जूस में या ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। तो जी, मेरे जहन में एकदम आया कि मैं अपनी ये चीज़ें शेयर करती हूँ आपसे, और कभी मैं आपसे अपना रूम टूर और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें, ताकि जो है वो आपसे मैं हर चीज़ जो है वो अपनी शेयर करती रहूं। और प्लीज़ जो जो देखते हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। तो जी, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है ब्लैक पेपर और सॉल्ट की रखने की है, और इसके अलावा ये जो इसमें आप सॉसेस वगैरह रख सकते हो, जो चाइनीज़ के सॉसेस होते हैं, चिली सॉस या सोया सॉस वट एवर, तो ये भी रखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो है वो मीठे के जो बाउल होते हैं, तो ये फ्रूट बाउल कह लें या कुछ भी कह लें आप इसको, तो ये इस ये मेरे ख्याल से 6 प्यालियाँ हैं और इसका ये नीचे बाउल है, तो आप इसको आइसक्रीम बाउल्स भी कह सकते हैं, आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी मीठा हो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी, ये था हमारा फ्रूट और मीठे की या आइसक्रीम की प्यालियाँ जो मैंने आपको दिखाई। और जी, और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना कॉफ़ी सेट, और ये कॉफ़ी सेट की सॉसर है, और ये कॉफ़ी सेट के कप्स हैं छोटे छोटे, और कॉफ़ी सेट्स के आपको पता है कप जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो थोड़ी सी पी जाती है, लोग भर भर के पी रहे होते हैं, लोग तो कावा भी इतना भर भर के पी रहे होते हैं, बल्कि कावा बस एक छोटे से कप में छोटी सी उसमें पिया जाता है। तो खैर जी, लोगों की मर्ज़ी है यार, पीने तो उनकी भी ज़िंदगी है, मैं कहाँ बात लेके बैठ गई हूँ। तो जी, ये आ गए हमारे कॉफ़ी कप्स और उनकी सॉसर, और कॉफ़ी कप की जो पीछे सारी चीज़ें होती हैं जो उसके लवाजमात होते हैं, छोटी मोटी बड़ी बड़ी, ये सब आपको नज़र आ रहे होंगे। और बड़ा प्यारा सा ये कॉफ़ी सेट, और ज़्यादातर जो आपको वाइट और सिल्वर वाइट बर्तन जो है वो अच्छे लगते हैं, उनको खाना उनमें खाना खाने का मज़ा आता है, साफ साफ से लगते हैं, काले काले बर्तन आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, अजीब सी काली काली प्लेटें हैं। और जी, और ये सारा जितना भी सॉरी मेरी जितनी भी क्रॉकरी है मैंने सारी गुल प्लाजा कराची में जो है हमने वहाँ से लिए। और जो ये मेरा टी सेट आ गया, तो ये टी सेट का जो है वो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और टी सेट के कप, शुगर पॉट, मिल्क पॉट, ये सब आपके सामने। और टी सेट की ये आई थिंक 6 प्लेटें और एक बड़ी प्लेट होती है वो है, आज तक मैंने काउंट नहीं करी। अच्छा, पहले मैं समझ रही थी कि टी सेट की 2 प्लेटें होती हैं बड़ी, मैं समझी शायद एक टूट गई है, पर मेरी सासू माँ कहने लगी कि मेरी जान एक ही प्लेट होती है, तो मैंने कहा अच्छा, मैं समझी शायद 2 होती हैं, तो खैर एक ही प्लेट होती है। तो जी, ये आ गया हमारा टी सेट, इसकी सॉसर और इसके कप, और ऊपर आ गए हमारे ये डिनर सेट के कप्स, इधर आ गए हमारे सारा फ्रूट बाउल्स, और यह आ गए यहाँ पे सालन के बाउल्स, ऊपर आपको दूसरे डिनर सेट के बाउल्स, टी सेट और ग्लास सेट। और जी, और नीचे आपको नज़र आ रही होंगी सारी प्लेट्स और फ्लॉस। और जी, और ये जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है ये मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मेरा स्पून सेट का है, और स्पून सेट जो है वो मेरा मतलब स्पून्स तो काम के हैं, बाकी जो बल्कि जो उसका स्टैंड था ना वो टूट गया है, और जिसमें वो लगे हुए थे
और ये गिरा है मासी से और ये टूट गया, तो खैर है, और ये बहुत सेंसिटिव सा था तो इसलिए टूट भी गया। लेकिन स्पून तो स्पून काम की चीज़ तो है ना, तो ये छोटे बड़े नाइफ और फोक ये सारे चारों इस तरह के मेरे जहेज के जो स्पून कटलरी सेट जो कहते हैं इसको, ये है। और इसका कटलरी सेट बड़ा मज़े का था, बिल्कुल राउंड घूमने वाला था और बहुत अच्छा था, लेकिन टूट गया तो टूट गया, कुछ नहीं कर सकते आप। और ये इस तरीके से इसमें ये होल्स नज़र आ रहे हैं ना, इस तरीके से इसमें डलते थे। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो एक लाइक भी दे दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।